नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल उद्यान एक्सप्रेस में। दोस्तों, मैं नेहरू स्टेडियम के बीच में मौजूद हूं जहां पर नेशनल लेवल की गेम्स चल रही हैं। वॉलीबॉल शूटिंग चैंपियनशिप की जो गेम्स है, 38वीं गेम्स है, नेशनल लेवल की हैं। और इसके बीच में सबसे बड़ी बात यह अबोहर के लिए बहुत बड़ी बात है कि पहली बार यहाँ पर नेशनल गेम्स हो रही हैं और इसके बीच में 24 राज्य के लड़के और लड़कियाँ खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पंजाब शूटिंग बॉल एसोसिएशन की ओर से 38वीं राज्य स्तरीय शूटिंग बॉल नेशनल प्रतियोगिता का आयोजन अबोहर के नेहरू स्टेडियम में किया जा रहा है। दो दिवसीय इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर के 24 राज्यों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पहले दिन के मुख्य अतिथि के रूप में रासा के प्रांतीय उपाध्यक्ष श्यामलाल अरोड़ा, दिल्ली से रविंदर सिंह तोमर व विभिन्न स्कूलों के प्रमुखों ने भाग लेकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। जानकारी देते हुए पंजाब शूटिंग बॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरजीत सिंह व कैशियर रंजीत सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता का अबोहर में पहली बार आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में अंडर 19 आयु वर्ग के लड़के लड़कियां भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में विजेता रहने वाली टीम का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टीमों के लिए चयन किया जाएगा। शूटिंग बॉल एसोसिएशन दे जनरल सेक्रेटरी तोमर साहब, मेरे छोटे वीर सुरजीत जी, राजू जी, वक् वक् स्टेटा तो आए हुए सेक्रेटरी साहबान, प्रेजिडेंट साहब, लड़के और लड़कियां जो साडे देश का नाम चमकाणगे, साडे इस अबोहर की धरती ते आए, मैं सारयां नूं पहलां तां जी आया वेलकम करदा उन्हां दा। ये हिंदुस्तान वास्ते बड़ी शान की गल है कि जिहड़े सारे स्टेटा तो प्लेयर इत्थे पहुंचे है, बहुत घट हुंदा भी जिहड़े कि पूरियां स्टेटा पहुंचन। इत्थे 26 स्टेटा जिहड़ियां साडियां पहुंचियां ने। मैं जिहड़े बच्चे आए है, पूरी जिहड़ी साडे पंजाब एसोसिएशन शूटिंग बॉल एसोसिएशन पंजाब दे सारे पदाधिकारी जो इत्थे पहुंचे ने, हिंदुस्तान तो भी जो आए ने, मैं उन्हां बच्चों नूं सारयां नूं आदे वल्लों उन्हां दा धन्यवाद करदा। दूर दूर तो असाम तो, महाराष्ट्र तो, तमिलनाडु तो, चेन्नई तो, सारिया स्टेटा तो आए ने। ये बच्चे अज ईमानदारी नाल इस खेल नूं खेल की भावना नाल खेडणगे, ते जो जितेगा वो भी अगे जाएगा, जो खेडेगा वो भी अगे जाएगा। हुणे स्टेज ते कह रहे सी भी कोई भी नहीं हारेगा, असी भी ये कहने भी ये साडे हिंदुस्तान की शान है, इत्थे कोई भी नहीं हारेगा, सब जित के सब खेड के अगे वधणगे। जय हिंद, जय भारत। मैं जनरल सेक्रेटरी शूटिंग बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया रविंद्र तोमर आपको बताना चाहूँगा कि 38वीं राष्ट्रीय शूटिंग बॉल चैंपियनशिप है जूनियर वर्ग की अंडर 19, जिसका यहाँ पर ये पंजाब शूटिंग बॉल एसोसिएशन और शूटिंग बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। इसमें पूरे देश से लगभग 26 राज्यों के खिलाड़ी बालक बालिकाएँ यहाँ पर भाग ले रही हैं और ये दो दिन चलेगा। आज इसकी अभी ओपनिंग हुई है और कल शाम को इसका क्लोजिंग सेरेमनी है। तो दो दिन का आयोजन है और 38वीं राष्ट्रीय शूटिंग बॉल चैंपियनशिप है। क्या होगा इसके बीच में, बच्चों को कितने राज्यों के बच्चे भाग ले रहे हैं? इसमें से 26 राज्यों के बालक और बालिका जम्मू कश्मीर से लेकर केरला तक और इधर आपका महाराष्ट्र से लेकर के असम त्रिपुरा तक, पूरा देश यहाँ अबोहर में इकट्ठा है और ये एक तरह से यहाँ पर नेशनल चैंपियनशिप है। अंडर 19 ग्रुप में, बॉयज़ सेक्शन में, गर्ल्स सेक्शन में कौन राष्ट्रीय चैंपियन बनेगा उसका फैसला यहाँ पर होना है। साथ ही यहाँ पर एक भारत की टीम का सिलेक्शन किया जाएगा जो फिर अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, बॉयज़ सेक्शन में भी और गर्ल्स सेक्शन में भी। लग रहा है पहले दो नेशनल खेल लिए, दोनों विन किए हैं, आ जाएँ यहाँ पर, अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, होप सो अच्छा खेलेंगे। ये प्रोग्राम जिहड़ा जी इहदा प्रबंध 3 दिन तो किया जा रहा है और इसकी जी प्लैनिंग जी लगभग 1 महीना पहला बन चुकी सी। इंडिया फैडरेशन नाल गलबात की जा चुकी सी क्योंकि असी पहला शूटिंग वाला पंजाब टीम च खेडते रहे हैं और उस तो बाद असी पंजाब फैडरेशन जी है संभाल ली। पंजाब फैडरेशन हुण साडे कोले है और असी ये पूरा प्रबंध नैशनल का पहली बार पंजाब विच नैशनल हो रही है, जिसका बड़े सुचजे तरीके नाल असी प्रबंध किया और हर खिडारी हर स्टेट का प्रबंध असी होटलों किया, तो हर खिडारी खुश है और बड़े वधिया मैच होणगे। कल शाम तक मैच चलणगे, कल शाम नूं जिहड़ा जाखड़ साहब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करके इसका जिहड़ा है मुकाबले का समाप्ति की जाऊगी। मैनू नियर अबाउट जी 6 महीने हुए है सैकटरी बने, तोमर जी ने सवा
ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਸੰਭਾਲੋ ਜੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖੇਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਫਿਰ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੋਚ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਜੂਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ।